इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन रूस में खेले जा रहे फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण में गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं। उनके पीछे क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली बेल्जियम टीम के रोमेलु लुकाकु हैं। हैरी केन ने अब तक 6 गोल दागे हैं। टूर्नामेंट अपने 2 पड़ाव पार कर चुका है और तीसरे चरण क्वार्टर फाइनल में कदम रखने का है। केन फिलहाल इस विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी है। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन विश टूर सुपर 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने गुरुवार को अपना 23वां जन्मदिन जापान की आया अहोरी को हरा कर मनाया। उन्होंने 17वीं बार रैंकिंग वाली अहोरी को 21-17, 21-14 से मात दी। यह 5 मैचों में से इस जापानी प्रतिनिधि पर उनकी 5वीं जीत है। दुनिया की तीसरी नंबर की खिलाड़ी सिंधु पिछले सप्ताह मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थी। मौजूदा विजेता किदाम्बनी श्रीकांत पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को वर्ल्ड नंबर 11 जापान के केंतु मोमोता से हाथों हार का सामना करना पड़ा। मोमोता ने वर्ल्ड नंबर 7 श्रीकांत को 1 गेम हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए 12-21, 21-14, 21-15 से मात दी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने बिजी शेड्यूल में भी एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेते हैं। दोनों साथ देखना फैंस के लिए भी किसी ट्रिप से कम नहीं होता है। ऐसे ही ट्रीट फैंस को तब मिली जब भारत क्रिकेट टीम 3 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मैच के लिए बुधवार को कार्डिफ पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच 6 जुलाई को खेला जाना है। इस मैच के लिए टीम इंडिया की बस जब होटल पहुंची तो कैप्टन विराट कोहली के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी साथ दिखाई दी। बुरे वक्त से गुजरकर जब कोई शख्स कामयाबी हासिल करता है तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। भारतीय अंडर 19 टीम में शामिल हुए क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 17 साल का जायसवाल अब आगामी श्रीलंका दौरे में खेलने को पूरा तैयार है। मुंबई के अंडर 19 कोच सतीश सामंत ने यशस्वी के बारे में बताते हुए कहा, उसको फोकस और खेल की समझ कमाल की है। वह भारत की अंडर 19 के लिए खेलने के लिए तैयार है।